हरी मिर्च का अचार, चटपटा पूरी पराठा, छोले भटूरे, किसी के भी साथ आप सर्व कीजिए। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। 250 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं। हरी मिर्च को अच्छे से धोकर सुखा लिया है। सबसे पहले हम हरी मिर्च को कट करेंगे। अगर आपकी हरी मिर्च बड़ी है तो आप उसके चार पीसेस भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसा आप कर लेना। अब हमने सारी हरी मिर्च को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम मसाले देख लेते हैं। 100 ग्राम सौंफ ली है, 2 चम्मच बारीक वाली राई ली है, 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। आपको मेथी दाना पसंद नहीं हो इसे स्किप कर दें। अब हम इन तीनों मसालों को डाल देंगे और लो आंच करके 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें भून लेंगे, ताकि इन मसालों में नमी होगी तो निकल जाएगी। मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं और इन मसालों को दरदरा सा पीस कर तैयार कर लीजिए। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक ले लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 250 ग्राम तेल। तेल को मीडियम गैस पर गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब गैस की आंच बंद कर दें। तो चलिए अब हम मिर्च के मसाले डाल देते हैं। तो चलिए अब हम मिर्च के सारे पाउडर भी डाल देते हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब तेल भी ठंडा हो गया है, 1/4 चम्मच हींग डाल देते हैं। सारे तेल मिर्ची पर डाल दीजिए। अब हम अच्छे से सब मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये अचार बनाकर देखिए, बहुत ही जल्दी बन जाता है। 3 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से ये जो मिर्ची का तीखापन है वो कम हो जाता है और ये अचार बहुत ही चटपटा सा टेस्टी अचार हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे धूप में दिखाने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक साफ से जार में बनाकर तैयार कर दीजिए।